नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं और एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूं आपके सब्जेक्ट इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूरोपियन इतिहास से रिलेटेड है, वो है धर्म सुधार आंदोलन के कारण। इसके पहले वाले लेक्चर सीरीज में आपने देखा धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ, उस समय चर्च की स्थिति क्या थी, यानी धर्म सुधार आंदोलन से पहले चर्च की स्थिति क्या थी, उसके बारे में आपने पढ़ा। और आज जो पढ़ेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी धर्म सुधार आंदोलन की, और धर्म सुधार आंदोलन के तत्कालिक कारण क्या थे। जैसे कि हम किसी भी कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी क्रांति होती है, किसी भी क्षेत्र में सुधार होता है, तो हम जानते हैं कि उसके जो कारण होते हैं वो सदियों से पलते आ रहे होते हैं, प्रगति करते आ रहे होते हैं, लेकिन वो एक तत्कालिक कारण होता है जो उस आग में घी का काम करता है। तो उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे कि वो तत्कालिक कारण क्या था धर्म सुधार आंदोलन का। तो आप सभी धर्म सुधार आंदोलन इस टॉपिक से आप परिचित हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि शताब्दियों से ऐसे अनेक कारण एकत्रित हो रहे थे जिनका परिणाम था धर्म सुधार आंदोलन। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कैथोलिक चर्च में सुधार करना। लेकिन इसमें राजाओं के समर्थन तथा नवोदित पूंजीगत वर्ग की आकांक्षाओं ने इसे राजनीतिक और आर्थिक स्वरूप दे दिया, जिससे चर्च का विघटन असंभावी हो गया। 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में जर्मनी के विटनबर्ग, यहाँ ये पृष्ठभूमि है तो थोड़े समय जिक्र कर देती हूँ कि वो ऐसा कौन सा कारण रहा जो तत्कालिक सिद्ध हुआ। तो जर्मनी के विटनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्म विद्या के प्राध्यापक लूथर कौन, मार्टिन लूथर किंग, जो थे धर्मशास्त्र के प्राध्यापक, टीचर थे, उन्होंने कैथोलिक धर्म में धर्म सुधार की मांग की। लूथर को जिस शीघ्रता से जर्मनी में समर्थन प्राप्त हुआ और लूथर के धार्मिक विचारों को यूरोप के अन्य राज्यों में स्वीकार किया गया, इससे इतना स्पष्ट होता है कि कैथोलिक चर्च के विरुद्ध व्यापक असंतोष था। लोगों के मन में वो असंतोष था और एक तरह से लूथर के रूप में उन्हें एक जुबान मिल गया जिसके माध्यम से उस रास्ते को अपनाकर वो अपने विचारों को, भावों को, अपने विरोध को प्रकट कर सकते थे। धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक के कारण इस असंतोष के लिए जिम्मेदार थे, यानी लोगों में जो धर्म के प्रति, चर्च के प्रति, कैथोलिक धर्म चर्च के प्रति जो असंतोष था, उसका जिम्मेवार सिर्फ चर्च की स्थिति ही नहीं थी, सिर्फ धार्मिक स्थिति ही नहीं थी, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और एक तत्कालिक कारण भी थे, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बस अब देखते रहें, समझते रहें, अगर कहीं भी आपको नहीं समझ में आता हो तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम आते हैं धार्मिक कारण। ये तो आप जानते ही हैं कि चर्च, कैथोलिक चर्च जो है वो धर्म से ही रिलेटेड है, यानी कि धर्म का केंद्र है चर्च। तो सबसे पहले धार्मिक कारण क्या रहा होगा, तो यदि आप ऐसे विचार करेंगे कि धर्म के लिए जो संस्था बनी है जिसमें लोगों की आस्था है, अचानक से उसमें ऐसी क्या गड़बड़ी, क्या ऐसे उत्पात होते हैं या क्या ऐसे असंतोषिक बातें होती हैं जिस लोग उनका विरोध करते हैं, तो सबसे पहले होता है पोप का अनैतिक तथा भ्रष्ट जीवन। पोप कौन था, पोप चर्च के मुख्य अधिकारी होते थे, जैसे पुजारी, पंडा ये सब होते हैं, मौलवी, उसी तरह से ईसाई धर्म के अधिकारी होते थे पोप। पोप की लौकिक सत्ता या उसका राज धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। उसकी लौकिक सत्ता का यूरोप में व्यापक विरोध था, क्योंकि वह अपनी धार्मिक सत्ता को साधन बनाकर अपनी लौकिक सत्ता में वृद्धि कर रहे थे। इसके अलावा पोप एक धार्मिक व्यक्ति था, तो उसे सांसारिक मोह माया से दूर रहना था, लेकिन उसका अनैतिक जीवन और सांसारिकता के कारण आदर कम होता जा रहा था, क्योंकि सांसारिक जीवन में से उसे ज़्यादा मोह था। उसका जीवन विलासितापूर्ण था। वह यूरोप में बहुत से ऐसे ईसाई थे जो पोप के भ्रष्ट और अनैतिक जीवन की आलोचना करते थे, लेकिन उन्हें उस समय ये स्थिति, चर्च की बदलती परिस्थिति तो लोगों के सामने बहुत सदियों से चली आ रही थी, लेकिन उन्हें एक ऐसा जुबान नहीं मिल रहा था, एक ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिससे उसका वो विरोध प्रकट करें, जो मिला मार्टिन लूथर के रूप में। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि उन्हें धार्मिक सर्वोच्चता जो पोप को प्राप्त हुई वो कैसे प्राप्त हुई। तो यहाँ देखेंगे कि उन्हें निरंकुश
सत्ता उसके दो विशेषाधिकार पर आधारित है, यानी पोप को दो विशेषाधिकार प्राप्त हैं। प्रथम इंटरडिक्ट का अधिकार, अर्थात पोप किसी भी देश को एक या समस्त गिरजाघरों को बंद करने का आदेश दे सकता था, यानी कि पोप जो भी करे वो सही है, क्योंकि यदि कोई गिरजाघर या कोई भी पादरी उसका विरोध करेंगे तो उसके पास यह विशेष अधिकार था कि वो उन गिरजाघरों को, यूरोप के किसी भी गिरजाघर को बंद करवा सकता था। आया समझ में आप? दूसरा विशेष अधिकार क्या था? एक्स कम्युनिकेशन का अधिकार, अर्थात पोप किसी भी व्यक्ति या राजा को चर्च से बहिष्कृत कर देने का अधिकार था। उस राजा को इस स्थिति में सिंहासन त्यागना पड़ता था। बहिष्कृत व्यक्ति को जीवित जला दिया जाता था। पोप के निरंकुश अत्याचार के लिए दोनों अधिकार साधन बन गए, यानी कि यदि कोई भी अनैतिक कार्य या अनैतिक कदम उठाता पोप तो उसके विरोध में कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास दो सर्वोच्च विशेषाधिकार प्राप्त थे। वो विशेषाधिकार था, वो किसी भी गिरजाघर को बंद करवा सकता था, किसी भी राज्य के राजा को, यूरोप के किसी भी शासक को निरस्त कर सकता था और उसे बहिष्कृत कर सकता था और उस व्यक्ति को फांसी चढ़वा सकता था या व्यक्ति को जिंदा जलवा सकता था। ऐसे अधिकार प्रदान थे, तो आप सोच सकते हैं कि पोप कितना अत्याचारी हो सकता है और लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। दूसरा धार्मिक कारण था पादरियों में भ्रष्टाचार, चर्च के दोष। चर्च के सबसे प्रमुख दोष थे पादरी। पोप का भ्रष्टाचार, सांसारिकता और नैतिकता उसके दरबार तक सीमित न हो कर संपूर्ण ईसाई जगत में व्याप्त था, यानी कि चर्च के पदाधिकारी होते थे बिशप पादरी अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते थे, यानी कि उन्हें धार्मिक संस्था जो होती है उसमें जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि लोगों को धर्म के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें धर्म के बारे में जागरूक करना, उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना। लेकिन इन सबसे दूर पोप का जीवन भ्रष्टाचारी हो गया था। वो विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, सुख वैभव में अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ तक कि चर्च का जीवन और चर्च जो हो गया था अनैतिकता का केंद्र, अनाचार का केंद्र बन गया था। मठों में भिक्षु और भिक्षुणियों का रहना इस अनाचार का एक कारण था। जीवन पर कोई प्रतिबंध अनुशासन नहीं था। चर्च में बुराई का दूसरा कारण था धन की लिप्सा। इसके लिए पुलेरिलिटीज की परंपरा का भी दुरुपयोग किया जाता था। इसके अनुसार आवश्यकता होने पर असाधारण कारणों से एक पादरी कई गिरजाघरों का अध्यक्ष या कई पदों पर रह सकता था। अब पादरी वर्ग अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए कई पदों को प्राप्त करने लगे, क्योंकि प्रत्येक पद का पृथक वेतन और आय प्रदान की जाती थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब कोई पादरी यानी चर्च का अधिकारी आर्थिक रूप से संपन्न होता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, तो इसका एक कारण ये भी था कि उन्हें एक विशेष तरह के अधिकार प्राप्त थे, विशेष अधिकार, जिसके अनुसार वह एक साथ एक से अधिक गिरजाघरों का अधिकारी हो सकता था और अलग अलग गिरजाघरों के अधिकारी के पद प्राप्त करने के फलस्वरूप उन्हें अलग अलग वेतन और आय प्राप्त होते थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई और इससे उनकी उनमें विलासिता की भावना प्रबल होती गई। जनसाधारण के धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। जनसाधारण के धार्मिक दृष्टिकोण में चर्च में बढ़ते हुए अत्याचार, अनाचार, सांसारिकता के कारण परिवर्तन हो रहा था। लोगों को चर्च के प्रति असंतोष पैदा हो रहा था, उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा कम हो रही थी। और इसके अलावा लोगों की इच्छाएं जो थी, लोगों की श्रद्धा जो थी, वो कल्याणकारी कार्य जैसे अस्पताल बनाना, आश्रमों का निर्माण, दान करने में अधिक विश्वास रखते थे। इस तरह के कार्यों में उनकी रुचि बढ़ने लगी। धार्मिक पुस्तकें छापे कारण के कारण अब जनसाधारण को प्राप्त हो रही थी, जिनसे उसे सच्चे धर्म का स्वरूप ज्ञात हो रहा था। यानी कि उस समय आपको पता है जिस तरह समय धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, उस समय पुनर्जागरण का प्रभाव भी लोगों पर दिखने को मिल रहा था, जिसके फलस्वरूप लोगों में पढ़ने पढ़ाने की इच्छा जो थी जागरूक थी। लोगों में एक नई चेतना आ रही थी। छापखाने के आविष्कार से नए नए भौगोलिक आविष्कार हुए, जिसके फलस्वरूप उन्हें धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने, धर्म की महत्ता क्या है, धर्म की वास्तविकता क्या है, इसे समझने का भी मौका मिल रहा था, जिसके कारण से उन्हें चर्च के प्रति विद्रोह उनके मन में पैदा हो रहा था। पुनर्जागरण का प्रभाव तो लोगों पर था ही, लोगों
में अंधविश्वास को स्वीकार करने के स्थान पर बौद्धिक आधार पर धर्म को स्वीकार करना चाहते थे। पुनर्जागरण का दूसरा प्रभाव था लोगों में भौतिकवादी विचारों का उद्भव, चर्च के प्रति उदासीनता। अब चर्च में सुधार की असफलता। कैथोलिक चर्च का विघटन करना किसी भी धर्म सुधारक का उद्देश्य नहीं था, यानी कि कैथोलिक चर्च जो पुराना अपना कैथोलिक चर्च था उसको विघटन करना, उनका पतन करना इनका उद्देश्य नहीं था। उनकी इच्छा तो बस इतनी थी कि चर्च को एक धार्मिक और पवित्र संस्था का रूप प्रदान किया जाए। वे शांतिपूर्ण सुधार के पक्ष में थे। जब उनके सभी शांतिपूर्ण प्रयास असफल हो गए तब मार्टिन लूथर को विद्रोह का मार्ग अपनाना पड़ा। अब हम देखते हैं, ये था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण आप देख चुके हैं किस तरह से चर्च को विशेष अधिकार प्राप्त होता है, किस तरह से लोगों में असंतोष पैदा होता है, किस तरह पादरियों का जीवन भोग विलासपूर्ण हो जाता है, जिससे लोगों को धर्म के कैथोलिक धर्म के प्रति चर्च के प्रति असंतोष पैदा होता है। अब हम आते हैं आर्थिक कारण। अभी तक आपने जो पढ़ा उससे आप तो समझ ही गए होंगे कि आर्थिक कारण तो इसका था ही। कैथोलिक चर्च में धार्मिक दोषों के साथ साथ आर्थिक दोष भी उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि वो कुछ अनेक विशेषाधिकारों के फलस्वरूप अनेक करों को प्राप्त करके अपनी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत कर चुका था, जिससे उनका जीवन जो था भोग विलास का केंद्र बन चुका था। वेनिफाइस या निर्वाह क्षेत्र। चर्च की परंपरा के अनुसार चर्च के प्रत्येक पदाधिकारी को निर्वाह के लिए क्षेत्र प्रदान किया जाता था। इसे क्या कहा जाता था? बेनिफाइस। आज भी आप देखते होंगे, आप जहाँ भी रह रहे हों उसके अगल बगल आप देखते होंगे मंदिर मस्जिद मठ होता होगा, तो उसके जो भी पुजारी होते होंगे उनके जीवन निर्वाह के लिए कुछ खेत वगैरह जमीन वगैरह दी जाती है ताकि वो उसकी उपज खाएं और साथ में पूजा पाठ जो भी धार्मिक के विचार है लोगों के प्रति फैलाएं। तो यही अधिकार प्राप्त था चर्च को भी। इस परंपरा ने भी भ्रष्टाचार का रूप ले लिया। अपने अधिकार में एक अधिकारी कई बेनिफाई को रखता था और दूसरे बेनिफाइसों पर अपने संबंधियों की नियुक्ति कर देता था। सभी देशों में पोप ने बहुत से बेनिफाइसें रिजर्व में रख ली थी जिन्हें वो अपने प्रिय पात्रों को प्रदान करता था। उसके ये प्रिय पात्र दरबार में रहते और अपनी बेनिफाइस से आय प्राप्त करते। जब भी पोप किसी को बेनिफाइस प्रदान करता था वह पोप के पहले वर्ष की आय देता और इसे अननेट कहते। यानी कि चर्च के अधिकारी जो थे जीवन निर्वाह के लिए एक साथ कई क्षेत्रों पर अधिकार करते थे और कई बेनिफाइसों को एक साथ में रखते थे और वह अपने रिश्तेदारों को भी वो प्रदान करते थे। इन्हें अननेट कहते हैं। चर्च के विभिन्न कर। कैथोलिक चर्च अत्यधिक धनिक संस्था थी। चर्च के जैसे जानते हैं कि चर्च को, ये तो हमने पहले ही चर्चा कर दिया कि चर्च को अनेक तरह के कर प्राप्त होते थे। वो अनेक तरह के जैसे कि अननेट वेनिफाइस की आय, पीटर पेंस, फास्ट फूड, टाइथ, इससे क्या था कि अनेक प्रकार के कर प्राप्त करता था। अनेक सामंत भी उन्हें टैक्स देते थे, न्यायालयों की फीस से भी आय होती थी और इस तरह से वह एक बड़े भूस्वामी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इस तरह से इस धन का बड़ा भाग पोप को भेज दिया जाता था और पोप भी विलासितापूर्ण जीवन प्राप्त जीता था, जिसके कारण से आगे चल के चर्च जो था आर्थिक रूप से संपन्न हुआ और जिसके कारण उनमें भ्रष्टाचार पैदा हुआ। क्षमा पत्रों को बेचना। चर्च में आर्थिक भ्रष्टाचार की चरम परिणति थी क्षमा पत्रों की विक्रय में दिखाई दी। यानी कि चर्च के भ्रष्टाचार जो था, यानी कि इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई ही, लेकिन साथ में उन्होंने लोगों के धन प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच क्षमा पत्रों को बेचना। अब क्षमा पत्र होता क्या है आगे मैं बताऊंगा। ईसाई धर्म के अनुसार पोप इस प्रकार के आश्वासन देता था कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने पाप का प्रायश्चित कर लिया हो ईश्वर क्षमा कर देगा। इससे लोगों में यह विश्वास उत्पन्न किया जाता था कि प्रायश्चित करने तथा पुण्य करने से पाप से मुक्ति मिल जाती थी। इससे धनी व्यक्ति इस प्रकार की क्षमा आश्वासन को प्राप्त करने के लिए पोप को धन देने लगे। इससे धीरे धीरे पोप की विलासिता बढ़ गई, उनके अनुपात में धन की आवश्यकता भी बढ़ गई और इस तरह क्षमा पत्रों का विक्रय होने लगा और धार्मिक भ्रष्टाचार कार्य भ्रष्टाचार का स्रोत बन गया। यानी
क्षमा पत्रों की विक्रय आप समझ गए होंगे, यानी कि लोगों से कहा जाता था कि यदि आपको पाप में इस तरह के जो कुछ क्षमा पत्र हैं इन्हें खरीदेंगे तो आपको पाप से मुक्ति मिल जाएगी, आपने जीवन में जो भी पाप किया होगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह से लोग कोई भी गलती करते पाप करते उनके क्षमा पत्रों को खरीदते थे और इससे धन की बढ़ोतरी होती थी चर्च की। तो ये था उनकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक कारण जिसके कारण चर्च की औन्नति यानी पतन हुआ। अब हम देखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा धार्मिक आर्थिक, तो राजनीतिक कारण भी इससे ही संबंधित है। जैसे कि धार्मिक व्यक्तियों ने धर्म सुधार के आंदोलन की प्रेरणा दी थी, जो पवित्रता और धर्म प्रवणता सदाचार त्याग आदि गुणों के आधार पर चर्च का सुधार करना चाहते थे, लेकिन शीघ्र ही धर्म सुधार आंदोलन अनेक राजनीतिक कारणों से एक राजनीतिक आंदोलन भी बन गया। अब हम देखेंगे कि इन राजनीतिक आंदोलनों ने किस तरह एक नवीन परिस्थितियाँ पैदा की जिसके कारण से धर्म सुधार आंदोलन हुआ। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय राज्यों की स्वतंत्रता। मध्य युग में चर्च एक धार्मिक संस्था के साथ साथ एक राजनीतिक संस्था भी थी। उसके अधिकारी आर्कबिशप, बिशप, पादरी प्रत्येक राज्य में थे। चर्च कर लगाती थी, चर्च भूस्वामी थे, चर्च के न्यायालय थे। चर्च की स्थिति राज्य के अंदर राज्य के समान थी। राजतंत्र के दुर्बल होने पर तथा सामंतों के संघर्षरत रहने के कारण मध्य युग में यह व्यवस्था आवश्यक थी। अतः चर्च की शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए एकमात्र माध्यम था, यानी चर्च जो था राज था, अंदर राजतंत्र था। यदि राजतंत्र दुर्बल होता, सामंत दुर्बल होते, तो उस समय शासन का एकमात्र इकाई होता चर्च। लेकिन आधुनिक युग आरंभ होते ही स्थिति बदल गई। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, निरंकुश राजतंत्र का उत्थान हुआ। अब शक्तिशाली राजा अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम थे। उनके राज्यों में चर्च और मठों की स्वतंत्र सत्ता और अधिकार निरंकुश राजाओं को सहन नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे निरंकुश राजतंत्रों का जब उदय हुआ, लोग शासक खुद शक्तिशाली हो गए। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी धार्मिक संस्थान चर्च उनके राजकाज में हस्तक्षेप करे, और ये भी एक राजनीतिक रूप से उनके चर्च के लिए उनके पतन का कारण बना। मध्यम वर्ग का राष्ट्रीय दृष्टिकोण। बौद्धिक तथा व्यापारिक वर्ग पर भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव पड़ा था। पोप को धन भेजने का व्यापारी वर्ग विरोधी था और चर्च की चल अचल संपत्ति को उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त करना चाहता था। चर्च की संपत्ति पर भी राजाओं की दृष्टि थी, वे इससे राज्य की संपत्ति बनाना चाहते थे। और पोप विदेशियों को बिशप आदि पदों पर नियुक्त करता था, जिसका बौद्धिक वर्ग विरोध करता। राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण वे चर्च को भी राष्ट्रवाद का अंग बनाना चाहते थे, और जिससे इन मध्यम वर्ग और व्यापारियों के कारण चर्च की स्थिति दयनीय हुई। यानी कि अब वो इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। ये सब पुनर्जागरण का प्रभाव था कि वे लोग नहीं चाहते थे कि धर्म के नाम पर पादरियों को, पोप को अधिक से अधिक दान दिया जाए, उन्हें धन संपत्ति प्रदान की जाए, क्योंकि वो भी चर्च को एक राष्ट्रीय संस्था बनाना चाहते थे और उन्हें इसका विरोध किया। किसका? चर्च का विरोध किया। अब हम आते हैं तत्कालीकरण। अभी आपने जो भी देखा, जो भी पढ़ा, क्या पढ़ा? चर्च की पतन के, या ये कहे धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये तो थे ही। ये जो भी कारण थे, जो भी असंतोष था, वो सदियों से पनप रहे थे, लोगों के मन में थे। लेकिन वो ऐसा कोई तत्कालिक कारण क्या रहा जो अचानक से धर्म सुधार आंदोलन पूरे यूरोप में फैल गया? वो था, उसका नायक था मार्टिन लूथर किंग। ऐसा नहीं है कि पहले किसी विचारक ने या समाज सुधारक ने आवाज़ नहीं उठाई हो, उठाई थी, लेकिन चर्च ने उन्हें दबा दिया या उन्हें मृत्युदंड प्रदान किया। अभी वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन मैं आती हूँ कि वो जिसने इस क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाई वो था मार्टिन लूथर किंग। धर्मशास्त्रों के प्राध्यापक मार्टिन लूथर ने जर्मनी के विटनबर्ग विश्वविद्यालय में 1517 ईस्वी में चर्च की बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। सबसे पहले विटनबर्ग में के जो धर्मशास्त्र का टीचर था, शिक्षक था, कौन था? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कहाँ कराने वाला था? जर्मनी का। तो जर्मनी का जो था उन्होंने आवाज़ उठाई।
पश्चिमी यूरोप के देश में पोप लियो दसम ने क्षमा पत्रों के बेचने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। रोम में वह सेंट पीटर के विशाल गिरजाघर का निर्माण कर रहा था, यानी जो लियो दसम था वो रोम में एक सेंट पीटर के विशाल गिरजाघर का निर्माण कर रहा था। उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी और धन प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया, क्षमा पत्रों के विक्रय यानी बेचना शुरू किया। तो जब वो बेचने के लिए भेजा अपने प्रतिनिधि को, तब वहाँ पर विटनबर्ग पहुँचा तो लूथर ने क्षमा पत्रों के विक्रय का विरोध किया, यानी कि मार्टिन लूथर किंग वो विक्रय क्षमा पत्रों के विक्रय को बेचने से मना कर दिया। उसने विटनबर्ग के चर्च के द्वार पर 95 प्रश्नों की सूची अपने विरोध को प्रकट करने के लिए लगा दी और घोषणा की कि वह उन विषयों पर किसी से भी शास्त्रार्थ करने को तैयार था। लूथर ने प्रश्नों की सूची को लैटिन भाषा में लिखा था, इसका शीघ्र ही जर्मन भाषा में अनुवाद हो गया और इसका प्रचार सारे जर्मनी में हो गया। इससे सारे जर्मनी में चर्च की आलोचना होने लगी और इसी के साथ धर्म सुधार आंदोलन आरंभ हो गया। आप समझ गए कि जिस तरह से ये जो भी कारण रहे हैं, लेकिन जब तत्कालिक कारण हुआ, यानी कि जिस तरह से क्षमा पत्रों की बिक्री पर मार्टिन लूथर ने रोक लगाई और उन्होंने उसके संबंध में 95 प्रश्नों की एक सूची टांग दी गिरजाघर में, चर्च में, जिसे लोग पढ़ते गए और उन्होंने वहाँ की आम बोलचाल की भाषा में उसका अनुवाद भी कराया, जिससे वो जनमानस तक उसकी आवाज़ पहुँची और लोग उसको उसका समर्थन देने लगे और इस तरह से चर्च का पतन हुआ, जिसे कहते हैं इतिहास में उसे कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। और धीरे धीरे पूरा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, जिसके फलस्वरूप एक नया धर्म सुधार आंदोलन के अनुयायी जैसे प्रोटेस्टेंट हुए, जो कैथोलिक धर्म के चर्च के सुधरे, मतलब यानी कि उनमें जो भी सुधार किया गया उसके अनुयायी थे। तो इसी को कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन, और ये थे धर्म सुधार आंदोलन के कारण। तो अब आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को यदि आपने आपको पसंद है और इस तरह के यूरोपियन हिस्ट्री से संबंधित कोई टॉपिक देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी सुझाव सलाह हो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद इतना साथ निभाने के लिए, इतना धैर्य से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।